देश में इस समय सबसे ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आगे बढ़ाने पर सरकार का फोकस नजर आ रहा है, चाहे वो सिटीज में मेट्रो चलाना हो या इंटर सिटीज में बुलेट ट्रेन। बड़े बड़े रास्तों को छोटा करने के लिए एयर और रेल सुविधाओं को लगातार देश में बढ़ाया जा रहा है, लेकिन हमारे देश का धान का कटोरा यानी कि छत्तीसगढ़ में ये कहानी कुछ उलट नजर आ रही है और लगता है एक बार फिर यहाँ रेल यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की परेशानी कम होती नजर नहीं आ रही है। त्योहारों के बाद एक बार फिर छत्तीसगढ़ में रेल अधोसंरचना विकास के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने का प्लान है। 2023 तक रेलवे का लक्ष्य स्वीकृत कार्यों को पूरा करने पर है। अकेले छत्तीसगढ़ में ही करीबन 5700 करोड़ रुपए के रेल विकास के कार्य किए जाने हैं। वर्ष 2022-23 के बजट में छत्तीसगढ़ को करीब 5700 करोड़ रुपए अधोसंरचना, संरक्षण और रेल विकास के लिए मिले हैं। इसमें डबलिंग, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन के साथ आरओबी, आरयूबी सहित अन्य रेल विकास के कार्य होने हैं। ऐसे में रेलवे के सामने एक बड़ा लक्ष्य इन प्रोजेक्ट को पूरा करने का है, जिसे लेकर रेलवे लगातार कार्यों को गति देने में लगा है। लेकिन इन सभी के चलते रेल से सफर करने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कैसे, आइए जानते हैं। अपने लक्ष्य को समय से पूरा करने के लिए रेलवे ब्लॉक ले रहा है, ट्रेनों को रद्द कर रहा है, जिससे रेल यात्री खासे परेशान हैं। बीते 9 महीने में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ के रेल यात्री इससे परेशान हुए हैं। छुट्टियों, त्योहारों तक में रेलवे ने थोक में ट्रेनों को रद्द कर यात्रियों को झटका दिया। हालांकि रेलवे के इस रवैये और मनमानी का जमकर विरोध भी हो रहा है। रेल यात्री के साथ जनता इससे आक्रोशित है, जिसे देखते हुए रेलवे ने दीपावली पर ट्रेनों को कैंसिल नहीं किया, लेकिन त्योहारों के बाद एक बार फिर रेलवे की तैयारी कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने की है। माना जा रहा है कि त्योहारों के बाद लक्ष्य को पूरा करने रेलवे अधोसंरचना विकास के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे रेल परिचालन फिर से प्रभावित हो सकता है। रेल अधिकारियों की माने तो पूर्व में बीते वर्षों के बजट की तुलना में 2022-23 के बजट में छत्तीसगढ़ को अधोसंरचना विकास के लिए 5700 करोड़ का भारी भरकम बजट मिला है। ऐसे में स्वीकृत परियोजना को समय में पूरा करने पर रेलवे का फोकस है। इस 2022-23 के बजट में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में, हम केवल छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें, 5700 करोड़ रुपये से भी अधिक दिया, केवल एक साल के लिए दिया है। और इसमें विकास कार्य होने हैं, जिसमें कि झारसूगुड़ा से बिलासपुर फोर्थ लाइन, नागपुर से दुर्ग थर्ड लाइन, पेंड्रा अनूपपुर से लेकर के कटनी तक थर्ड लाइन, इसके अलावा ऑटो सिग्नलिंग वर्क्स हैं, कई साइडिंग्स वेरिफिकेशंस के वर्क्स हैं। तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और यात्री सुविधाओं संबंधित वर्क हैं, जिसमें कई FOB बनने हैं, कई जैसे हमारा उसलापुर बिलासपुर फ्लाईओवर बनना है, और इसके अतिरिक्त कई प्लेटफॉर्म का एक्सटेंशन होना है, कईयों की हाइट बढ़नी है। तो ये सारे काम हैं जो कि इस वर्ष हमें करने हैं, और इस वर्ष का बजट निश्चित तौर पर पिछली बार से अधिक है और विकास काम उसी तेजी से चल ही रहा है। सर, कितना लाभ अब मिल पाएगा? सर, देखिए, इस वर्ष के लिए जो बजट है वो 5700 करोड़ रुपये का है, और हम ये केवल इस वर्ष की बजट की बात कर रहे हैं। हालांकि जो परियोजनाएँ हैं उनकी लागत इनसे कहीं अधिक है, बट केवल इस वर्ष इस काम के लिए इन जो आधारभूत संरचना है इनके लिए 5700 करोड़ रुपए से ये अधिक का अलॉट किया गया है। कहते हैं कि विकास बलिदान मांगता है। इस समय छत्तीसगढ़ की जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे वो नाराज भी हैं। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि काम पूरा होने के बाद फायदा भी प्रदेश को ही मिलेगा और इसके साथ ही प्रदेश की प्रगति में भी डबल इंजन लग सकता है।